समस्या बताइए क्या आप लोग समस्या है। हमारे पंचायत में प्रत्याशी का मृत्यु हो गया था। कब हुआ? नवंबर 2022 ना 21 में, नवंबर 2021। उसके बाद से दो बार चुनाव का डेट निकला, अभी निकला है चुनाव का डेट 1 फरवरी को मतदान और 11 से नामांकन। कल तत्काल पेपर में आया कि नहीं चुनाव को नॉमिनेशन को रद्द किया जाता है। अधिसूचना नहीं आने के कारण अधिसूचना नहीं आने के कारण इस चुनाव को डेट को स्थगित किया जाता है। हम लोग आए हैं सरकार के पास, राज्य निर्वाचन आयोग के पास गए थे। चुनाव तो जो रद्द हुआ तो अलग प्रक्रिया, लेकिन आप लोग कौन समस्या लेकर आए हैं वो पहले? वही उपचुनाव के लेकर के हम लोग आए हैं। आप लोग का अभी तक जो उपचुनाव नहीं हुआ ना, ग्राम पंचायत राज मूड़ा का मैंने अरज ब्लॉक, कौन सा जिला? पूर्वी चंपारण जिला के अरज ब्लॉक के मूड़ा पंचायत का उपचुनाव होना था। कौन मुखिया पहले थे जो डेट कर गए उसके बाद नहीं? पन्नालाल पासवान तो उनका एक्सपायर हो गया। उसके बाद से हमारा पंचायत का चुनाव स्थगित हो गया। अभी तक उप मुखिया के कार्यभार में चल रहा है पंचायत, उप मुखिया के कार्यभार में, जिसका 6 माह अवधि होता है उप मुखिया का, और 6 माह के अंदर उपचुनाव होना चाहिए था, लेकिन आज तक चुनाव नहीं हुआ। ये समस्या लेकर आप लोग कहाँ कहाँ गए हैं? हम लोग जिला पदाधिकारी के पास गए, पंचायती राज पदाधिकारी के पास गए, BDO साहब के पास गए, और कई बार राज्य निर्वाचन आयोग के पास हम एप्लीकेशन दिए। क्या वहाँ से आप लोग क्या नवंबर तक चुनाव होगा, उसके बाद दिसंबर तक चुनाव होगा, लेकिन चुनाव का डेट नहीं निकला। आज से 1 माह पहले चुनाव का डेट निकल गया। 10 तारीख को अध्यादेश जारी लागू होगा और 11 से नामांकन 18 के बीच होगा और 23 को स्क्रूटनी होगा, 1 फरवरी को मतदान होगा। 3 को गिनती था? जी, 3 को गिनती था। आप बता रहे वो रद्द होगी, आज आप लोग को खबर मिला कि वो भी रद्द होगी? वो भी रद्द होगी। तो हम लोग अभी राज्य निर्वाचन आयोग के पास गए थे, मिले हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारे पास राज्य सरकार से कोई चिट्ठी नहीं आया है, हम तैयार हैं, कल भी चुनाव कराने के लिए तैयार है। मतलब राज्य निर्वाचन आयोग वो सरकार का इंतजार कर रही है कि जी वहाँ से चिट्ठी भेजे। आप क्या मांग करते हैं सरकार से, ये बताइए? हम लोग मांग करते हैं कि जो चुनाव हो जितना जल्दी हो सके हो। हम लोग परेशान हैं, 2 साल से पंचायत में झटक रहे हैं। कार्य मतलब बाधित होता होगा? पूरा बाधित है पंचायत का, कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। कार्य हो रहा है, लूट खसोट जारी है। लूट खसोट जारी है, प्रखंड विकास पदाधिकारी के मिली भगत से और स्थानीय कुछ लोगों के मिली भगत से वहाँ लूट खसोट हमारे पंचायत में जारी है। दलितों का, गरीबों का, पिछड़ों का हकमारी किया जा रहा है, जैसे कि सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्वेशन में है तो गरीब का हक मारा जा रहा है, गरीब को प्रताड़ित किया जा रहा है कि समाज में इसे क्या, तो गरीब का सीट है, गरीब लोग चुनाव नहीं लड़े, उनको वंचित किया जा रहा है उनके अधिकार से। और क्या, हम लोग आए थे माननीय जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी से हम लोगों की बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि ठीक है, हम माननीय मंत्री महोदय से बात करते हैं और आप लोगों का मामला हल किया जाएगा, लेकिन सरकार की लापरवाही ही कहेंगे कि आज तक ये मामला अटका हुआ है। और क्या कह सकते? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहसिन अहमद। कहाँ से आप? समाज, हम लोग समाज सेवी हैं, अरेराज प्रखंड के युवा राष्ट्रीय जनता के अध्यक्ष भी हैं और हम लोग सत्ता में हालात हो गया है अभी तक। जी सर, आप बताइए आप कौन हो? हाँ, हम मुखिया प्रत्याशी हैं। अच्छा, चुनाव होना था आपको 1 फरवरी को और 11 जनवरी से नामांकन 18 जनवरी तक। जी, 18 जनवरी तक नामांकन, वो तो अलग समस्या, लेकिन आप लोगों का समस्या जो है वो दूसरा समस्या है। समस्या यही है कि जब मैंने पेपर के द्वारा जो है सो यही हुआ है कि अधिसूचना जारी नहीं होने के चलते जो है सो इसको रद्द किया जाता है अगले आदेश तक। जब तक कोई अध्यादेश नहीं आता है तब तक रद्द है, तो यही हम लोग निर्वाचन अधिकारी के पास आए थे। क्या मांग करते हैं सरकार से? जितना जल्दी चुनाव हो। क्या नाम हुआ? हरिंदर राम। सर, मैं विनोद पासवान हूँ। मेरे ही पिताजी स्वर्गीय पन्नालाल पासवान का निधन हुआ था, इनके वजह से पंचायत का चुनाव स्थगित हो गया। उपचुनाव होना था? जी, जो उपचुनाव होना था हम लोग को सूचना मिला ब्लॉक से, लेकिन अचानक फिर सूचित किया गया कि चुनाव नहीं होगा। इसके वजह में हम लोग पटना आए हैं, जदयू कार्यालय में जितने भी हमारे ग्राम में और पंचायत में जितने भी कैंडिडेट हैं, हम लोग जितने भी प्रत्याशी हैं, सब लोग परेशान हैं। सर, सरकार से आग्रह है जितना जल्दी हो सके चुनाव कराने की। क्या नाम हुआ? मेरा विनोद पासवान नाम हुआ सर।